यूपी के बरेली में जोगी नवादा के युवक ने पुलिस मास्क न होने पर हाथ पैर पर कीले ठोकने का आरोप लगाया था। इस आरोप से बरेली से लेकर लखनऊ तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला रंजीत ने पुलिस पर दबाव बनाने के मकसद से यह घटना रची थी। पुलिस ने इस संबंध में नेसर अली उर्फ ताज नाम के व्यक्ति से भी पूछताछ की। बताया जाता है कि नेसर अली उर्फ ताज के घर ही युवक ने अपने पैर में कील ठोकी थी। पुलिस ने जरी कारखाना संचालक के घर से कुछ कीले और हथौड़ा बरामद किए। रंजीत ने पुलिस को फंसाने के मकसद से कीले खुद ठोकी थी। पुलिस की पूछताछ में भी रंजीत ने अपनी गलती को माना है। उसका कहना है कि जो भी किया है उसने ही किया। पुलिस ने एक वीडियो के माध्यम से नेसर अली के पक्ष को भी मीडिया तक पहुंचाया है। नेसर अली वीडियो में कहता हुआ दिख रहा है कि रंजीत 2 साल पहले जरी का काम किया करता था। रंजीत ने नेसर अली से कीले गड़ी हालत में फोटो खिंचवाए थे और अपने भाई को भिजवाए थे। नेसर अली वीडियो में यह भी कहता दिख रहा है कि उसने रंजीत से पूछा था अपने हाथ पैर में क्यों कीले ठोकी हैं। तब उसने कहा था कि यह कहूंगा कि पुलिस ने मेरे कीले ठोकी हैं। बरेली पुलिस ने मामले पर विस्तार से जानकारी की है। बरेली पुलिस के मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार 24 मार्च को बारादरी पुलिस शांति व्यवस्था रोकथाम अपराध एवं कोविड-19 लॉकडाउन के पालन हेतु चौकी क्षेत्र जोगी नवादा में थी। इसी दौरान रंजीत पुत्र मुन्ने बाबू निवासी हाजी मुल्ला जी वाली गली जोगी नवादा थाना बारादरी बरेली के द्वारा शराब के नशे में आरक्षी हरिओम के साथ कार्य सरकार में बाधा डालने हुए खींचतान गाली गलौज व मारपीट कर चोट पहुंचाकर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। रंजीत पता उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना श्री चमनगिरी द्वारा की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास के लिए दबिश दी गई थी तो वह पकड़ा नहीं गया था। दिनांक 26 मार्च को गिरफ्तारी से बचने के लिए षड्यंत्र के तहत हाथ एवं पैर पर कील गाड़ कर मीडिया के सामने प्रस्तुत हुआ। तो वहाँ पीस तो सूट और साड़ी वड़ी सब लगी रहती है। तो ये जो है ये चीज़ है इससे वो कसर वसर कुटता है रेशम। और ये कीले हैं ये कारचोब में खींची जाती हैं, पैर लगा के कारचोब में लगती हैं कीले। और इससे कसर वसर को कुटता है, धागा उगा कुटता है, इससे कुटाई होती है। तो ये मेरे कने आया सर, बोला ये वैश्वर भाई मेरे मोहल्ले में लड़ाई हो गई। तो मैंने कहा क्यों तुम यहाँ क्यों, अपनी मम्मी अपने घर पर जाता? बोला ना मैं घर पर नहीं जाऊँगा, मेरी मम्मी को ही बुला। मैंने अच्छा ठीक है, बोला नंबर मोबाइल दो मैं नंबर लगा दूँ। मैंने कहा ठीक है लगा लें। इनने फ़ोन करा इसके मम्मी पापा आ गए। तो मैंने कहा ये सर ये क्या हुआ इसका? बोली भैया ऐसा है ये लड़ाई हो गई इसकी, ये यहाँ रख लो रात भर इसे। मैंने कहा रात भर नहीं मेरे लेके जाओ, मैं कहाँ इसको रखूँगी, देख लो शराब वराब नशे में है ये। तो बोले ना ना भैया तुम रख लो इसको। तो मैंने कहा चलो अच्छा। बोली सुबह मेरे दिमाग में चलो ठीक है। अब इसने क्या करा, मैं जब थोड़ा नमाज पढ़ने चला गया, नमाज पढ़ के जब लौटा तो इसके कीले इसके ठोको। तभी तुरंत मैंने फ़ोन करके इसके घर पे फ़ोन करा, आ जाओ इसके घर वाले कोई नहीं आना चाहे। तभी के बोला फ़ोटो मेरा खींच के देखो कीलों का। मैं कहना बहुत हालत ख़राब है इसकी। तो मैंने फ़ोटो इसका खींच के, ये पड़ोगा वाला था, तो मैंने इसके घर पे मैंने कहा देखो इसकी हालत ख़राब है, मेरे घर में बीवी बच्चे मेरे सब डर रहे हैं, इसने कीले ऐसी ठोकी हैं, सबकी बच्चे मेरे डर रहे हैं, और ये इसको अभी ले जाओ। इसके पापा मम्मी तुरंत चले आए इसकी हालत देख के, जब ये पड़ोगा था फ़ोटो। तब ये आया तो मैंने इसकी मम्मी पापा बोले अब हम नहीं जाएंगे जिसको, ये रास्ते उस में पुलिस वुलिस पकड़ लेगी। हम सुबह को रात में सहार के टाइम 4 बजे हम लेके निकल जाएंगे इसको। तो मैंने कहा नहीं भैया बच्चे डर रहे हैं, मेरे कीले इतनी ठोकोगी इसके, देखो सब बच्चे चीख रहे हैं मेरे। तो इसने ठोकी कीले, ये कुछ हो गया तो मैं फंस जाऊँगा ना, इसको इसको लेके जाओ अभी यहाँ से। वो खुशामद करने लगी माँ, इसकी मम्मी बोली ना हम लेके। तो ये 4 बजे सुबह में उठे, मैं तो सो रहा था, उठाया मुझे 4 बजे ये लोग, ये रिक्शा इन्होंने बुलवाया कोई और लेके ये चले गए। आपने उस टाइम पुलिस को जानकारी दी थी? ना सर मैंने पुलिस को जानकारी नहीं दी थी, रात की बात थी। तो सर मैंने तो ये बस है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।